देखिए मछुआरे ने क्या पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे YouTube चैनल टूरिज्म जीके वीडियो भाई सलीम। तो अभी हम आए हैं यहाँ चौरल नदी के पाट के ऊपर। ये है चौरल नदी का पाट और मैं मॉर्निंग में निकला था फोटो शूट करने के लिए। और यहाँ का लोकेशन देख के एक मन किया क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए अपने दोस्तों के लिए। और देखिए ये यहाँ का सिस्टम है। अगर ये पानी का लेवल सेम पुल के लेवल में होता तो इस समय पानी पुल के ऊपर से जा रहा होता, लेकिन पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट उनकी इंजीनियरिंग देखिए कितना बेहतरीन। एक पुल पहले बनाया है, उसमें खड्डे बनाए गए हैं और खड्डे के नीचे से पास होके पानी इधर से निकल रहा है। ये देखिए, ये पुराने ज़माने का दिमाग है भाई। अगर नॉर्मल प्लेन सरफेस होता तो पुल के ऊपर से पानी निकल रहा होता। अभी आप देख सकते हैं पानी का लेवल और पुल का लेवल सेम है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए और पुल को कंटिन्यू चलते रहने के लिए क्या किया गया है, ये देखिए खड्डे बना दिए गए हैं। छोटे छोटे पैनल बना दिए गए हैं, छोटे छोटे खड्डे बना दिए गए हैं। पानी पहले खड्डों में गिरता है, खड्डों के बाद में जाता है पुल के नीचे से। बहुत बेहतरीन। ओह देखिए मछुआरे ने क्या पकड़ा, ये देखिए ये आ गई है एक बड़ी मछली हाथ में। ये पारा सर सिंघाड़ है। ये कितना केजी का होगा? ये 1 केजी का सिंघाड़ पकड़ा है। एक काटा मछली है, इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं होते। ये देखिए, वाह क्या बात है। ये अभी भी पकड़ा आपने? अभी दोबारा पकड़ेंगे? पहले जाल में ये मछली पकड़ ली गई है। ये देखिए दोबारा जाल फेंकने की तैयारी हो रही है बढ़िया से एकदम। और अभी अभी जस्ट पकड़ी है तकरीबन 1 केजी की सिंघाड़ मछली और ये दोबारा जाल फेंक दिया है ये इधर। अब देखना ये है कि मछली फंसती है कितनी देर में। सो फ्रेंड टाइम है वापस जाने का। ब्लॉग का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जगह अच्छी लगी तो बस बना दिया। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कमेंट कैसे आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्री में मत देखो भाई, एक सब्सक्राइब देगा अंगूठा तो दबाई दो। ओके शामदीद, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।